थाना सागर क्षेत्र के अंतर्गत साकेत चौराहे के समीप गार्गी हॉस्पिटल के बगल में निर्माणाधीन बिल्डिंग में कार चल रहा है। वहीं गुरुवार को दो युवक इस बिल्डिंग के बेसमेंट में गिर गए, जिसमें एक युवक काल के गाल में समा गया। वहीं बताया जा रहा है कि एक युवक जूता कारोबारी था, वहीं एक युवक गंभीर रूप से इस घटना के दौरान घायल भी हुआ है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने युवक की मौत को हत्या की आशंका जताते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हम आपको बता दें कि घटना गुरुवार रात करीब 10:30 बजे की है। थाना सागर क्षेत्र के अंतर्गत साकेत चौराहे के पास एक बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक पास ही में एक बियर की शॉप भी है, जहां आए दिन शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते थाना पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी इस इलाके में करती रहती है। पुलिस की पेट्रोलिंग को देख वहां मौजूद शराबी युवक फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात दो युवक शुभम अग्रवाल और प्रवेश पचौरी निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में जा गिरे, जिससे 28 वर्षीय शुभम की मौके पर ही मौत हो गई और प्रवेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लोगों की माने तो दोनों युवक निर्माणाधीन बिल्डिंग पर शायद शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस से बचने के लिए दोनों युवक बिल्डिंग के अंदर घुस गए, जिसके बाद 25 फीट की ऊंचाई से दोनों युवक बिल्डिंग के बेसमेंट में जा गिरे, जिसमें से एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 28 वर्षीय मृतक युवक शुभम अग्रवाल एक जूता व्यापारी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही यह निर्माणाधीन बिल्डिंग शराबियों का अड्डा बन जाती है। हालांकि पुलिस द्वारा यहां पेट्रोलिंग भी की जाती है, जिसके चलते शराबी यहां से आनन फानन में भाग जाते हैं। वहीं लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसी भाग दौड़ के चलते एक शराबी युवक के काल के गाल में समा गया। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शुभम अग्रवाल की मौत नहीं हत्या हुई है। क्या सुनाया भैया, ये सुनाया कि शुभम यहाँ पान मसाला खाने के लिए, पान वाले की दुकान पे उमंग के सामने दुकान है, वहाँ पान खाने के लिए आया और कोई कह रहा है कि इनका मर्डर कर दिया गया है, कोई कह रहा है पुलिस के घर के मारे भागे, पुलिस ने दिए सूट पर दबिश दिए। तो अभी स्पष्ट ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि कारण क्या रहा, हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये कहाँ के निवासी? ये प्रताप नगर फेसबल पुष्पांजलि प्रताप नगर में। कितनी उम्र थी? लगभग 27-28 साल की उम्र थी लड़के की। इनका एक बेटा है 1 साल का, 1 साल 3 महीने का लड़का है। क्या कार्य करते थे? ये जूतों का व्यापारी है। बताया जा रहा है ये दो लोग थे, एक व्यक्ति घायल है, वो भी मौत से जी रहा बेचारा और इनकी डेथ हो चुकी है। क्या मानना है पुलिस को रेस्ट करवा दी? अब यही बात इस पर समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों भागे। मान लो पुलिस को कभी चीज़ भागनी चाहिए होती, मान लो तुम जी खुद ही शौक कर रहे हो, पुलिस क्या करेगी? थाने नहीं जाएगी, इससे आप कुछ कर नहीं सकती भाई। कोई खत्म हो गया है, शमशान घाट से आ रहे हैं, शमशान घाट से लौट करके आ रहे हैं। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय थाना पुलिस निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल प्रवेश चौधरी नाम के युवक का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शुभम अग्रवाल की मौत हुई है या हत्या। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।